प्रेस क्लब लाहौर में मैं खड़ा हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेस क्लब का इलेक्शन हो और वहाँ हलचल ना हो। सदूर के जो कैंडिडेट हैं वो चारों के चारों हमारे साथ मौजूद हैं। आजम चौधरी साहब, आप प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदर के कैंडिडेट हैं। फैसल दुरानी साहब वर्कर्स ग्रुप के सदर के कैंडिडेट हैं और राइटर्स ग्रुप के जो जाहिद साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और जुल्फकार मेथू साहब, आप जर्नलिस्ट पैनल के सदर के कैंडिडेट हैं। एक तो बहुत हलचल होती है इस सारे मामले में, तो बर्दाश्त, टॉलरेंस और ये सारी चीज़ें ये भी साथ साथ चलनी चाहिए और मुखालफिन को आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा इलेक्शन हमेशा एक फेस्टिवल की तरह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ा बहुत हमारे ना पिछले गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं और जिसे कि हम सब लोग कंडेम कर रहे हैं। हम कोई भी जर्नलिस्ट प्रोफेशनल आदमी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। ये आपने ब्लैक पट्टी क्यों पहनी हुई है? ये क्या है जी? आजम चौधरी साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है, बिस्मिल्लाह। ब्लैक पट्टी क्यों जी? मैं उसी का बता रहा हूँ ना, हम इस वक्त जो तमाम गैर आइनी इकदामात किए गए हैं उस पे एहतजाजन ये ब्लैक पट्टी पहनी है, अदरवाइज हम इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। क्या गैर आइनी इकदाम हुए? क्या ये वाकई बॉडी जो है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की गई और उस बॉडी के बाद इलेक्शन कमीशन बनाया गया, हम उस इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानते। हम मौजूदा बॉडी के जो इकदाम हैं, उनके ऐलानात हैं, उनकी प्रेस रिलीजेज हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते। लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जब भी गवर्निंग बॉडी ने माजी के अंदर कोई भी फैसले किए हैं, हम उसको हमेशा ऑनर करते हैं। माजी के अंदर अगर मेंबरशिप्स की गई हैं, हमने उसको ऑनर किया है। माजी के अंदर आईनी अमेंडमेंट्स की गई हैं, हमने उसको ऑनर किया है। ये जर्नलिस्ट पैनल ने सबसे पहले इन पे इल्ज़ाम आया था और ये मानते भी हैं इस इल्ज़ाम को कि कोई हेरा फेरी हो गई थी जब इन्होंने मेंबरशिप्स दी थी। माजी के अंदर 2012 और 2015 में टोटल 1600 मेंबरशिप की गई। हमने उस मेंबरशिप पे कभी भी इख्तलाफ नहीं किया। उसमें जो लिस्टें हमें यहाँ पे अवेजा की गई थी उनको अगर 579 लोगों की एक लिस्ट थी, लेकिन जो अवेजा की गई वो 619 की थी। जो एक्सटेंसिव उसमें फिगर्स था हमने उस पर एतराज़ किया। चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं जी? नहीं चौधरी साहब बिल्कुल, वो बात यह है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात यह है कि ये दोनों ग्रुप बड़े ग्रुप माजी में स्टेक होल्डर रहे हैं और उन्होंने हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं नेशनल लेवल पे। जब बात होती है कि जनाब किसी ताले जमाने आयन को तोड़ दिया, लेकिन वही प्रैक्टिस लाहौर प्रेस क्लब में है। जो अदारे रोल मॉडल होते हैं अगर वही ताकत के बल बोते पर आयन को बुलडोज करें तो सूरत हाल। चोरी साहब ठीक कह रहे हैं जी, और माजी में आपका अपना ग्रुप जो है वो बोगस लोगों को मेम्बरशिप देता रहा है? देखिए मैं इस बात से इतफाक नहीं करता, ना कभी हमने इसको तस्लीम किया है। चोरी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इस लिहाज से कि हमने जब भी मेंबरशिप की है जनाब हमने एतराज़ात मांगे हैं तीन तीन बार। जब तीन बार मेंबरशिप की लिस्ट नोटिस बोर्ड पे प्लेस हो जाए, आम हो जाए और उसके बाद एतराज़ात आ जाए तो फिर कहाँ पे बोगस रह जाती है? 10 लाख रुपए इन्होंने कहा है कि जी हमने सबने लिए, ये उठाएं हलफ, मैं उठाता हूँ हलफ, ये एक टैडी पैसा भी अगर हमारे पास नहीं। गवर्निंग पार्टी, फिर आप गवर्निंग पार्टी को क्यों कह रहे हैं? गवर्निंग पार्टी का मेंबर मैं खड़ा हूँ। ये महज इल्जाम हैं इनके पास। आज की तारीख तक एक नाम ऑफिशियली इन्होंने जो दाखले दफ्तर, जो एतराज दाखले दफ्तर करना था वो आज व्हाइट पेपर दिया कोई आपने? एक नाम नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। 47 फेक 247 इसको दिए, वो दिए इनको, कहते 247 नाम दिए। इन्होंने एक नाम नहीं दिया ऑफिशियली, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नाम लेके फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज खान। प्रेस क्लब का इलेक्शन कल होगा और इस वक्त जो कंपेन है इलेक्शन के लिए वो अपने अरूज पे है, नुक्ता अरूज पे है और बहुत सारे इदारों में जाकर साफ़ी बरादरी जो है अपनी कंपेन करती है। साफ़ी बरादरी का कंपेन तो अपनी जगह, लेकिन प्रेस क्लब की एक साफ़ी के लिए अहमियत क्या है और इन सारे मौजूद पर हम बात आज करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि ये प्रेस क्लब जो सिम्बॉलिक होना चाहिए, आज़ादी सहाफत का लंबरदार होना चाहिए, इसकी रिट होनी चाहिए, इसके सदर की वैल्यू होनी चाहिए, सारे के सारे इदारे इन सदूर का एहतराम करें, ये सारे मौजूदात हैं जिन पर हम बात करेंगे। और प्रैक्टिकली प्रेस क्लब कितना फाल है एक साफ़ी की ज़िंदगी बदलने के हवाले से, आज़ादी सहाफत के हवाले से और साफ़ी को काम करने के मौके फ्राहम करने के हवाले से कितना फाल है प्रेस क्लब, ये वो सारे मौजूदात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ जी शहबाज मियाँ साहब इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपके मोराल बड़ा हाई होगा, इलेक्शन करीब आ गया, दोबारा से सर पर पहुँच गया, क्या आपका मोराल है ओवरऑल? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो प्रोग्रेसिव पैनल है गुज़िश्ता 3 साल में जो उसकी परफॉर्मेंस है
इसी वजह से मोराल हाई है और जो वोटर्स का हमारे मेंबरान का जो एतमाद है प्रोग्रेसिव पे, उसकी वजह यह है कि जो हम अपना मंशूर देते हैं उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि पूरा करें नेक नीति के साथ, और अल्लाह ताला उसमें हमें एक बड़ी हद तक कामयाबी भी देते हैं। और इस साल भी इंशाल्लाह ताला 2019 का जो इलेक्शन है वो प्रोग्रेसिव का इलेक्शन है, उसमें हमारे सीनियर मेंबरान हों, मिड कैरियर हों, और खसूसी तौर पे जो नौजवान मेंबर हैं वो प्रोग्रेसिव के साथ हैं। ख़वातीन मेंबर जो हैं वो मेजॉरिटी जो है वो प्रोग्रेसिव को सपोर्ट कर रही है, लाइफ मेंबर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा आपने क्या किया है कि आप समझेंगे आप जीत जाएंगे, ऐसा क्या किया है? मैं चाहूँगा पहले आप खुद से बता लें कि आपने ऐसा क्या किया है आपके ग्रुप ने कि आप जीत जाएं। जी बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड सवाल है कि लोग क्यों हमें वोट दें, हम इलेक्शन क्यों जीतेंगे। 2016 में जब प्रोग्रेसिव पैनल आया तो जो हमने अपने मंशूर में जो लोगों से वादे किए वो हमने मैक्सिमम हद तक पूरे किए। लाहौर प्रेस क्लब का जो तकद्दस था उसको हमने बहाल किया। यहाँ पे लोग 10-10 साल से जो है वो क्लब आना छोड़ चुके थे, और सीनियर्स लोग उनको हम यहाँ पे क्लब में लाए, उनको इज्जत दी, सदर की कुर्सी ऑफर की कि आपके लिए ये कमरा हाजिर है, ये आपकी कुर्सी है, ये किसी प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं है। और इसके साथ साथ जो इस प्रेस क्लब की जो फैमिली लाइफ थी उसको हमने बहाल किया, और हमने 2000 मुलाजमीन की तनख्वाहें इधर जो है वो तातुल का शिकार रही, ये आपसे कैफेटेरिया मिसमैनेज हुआ बड़े पैमाने पर, ये किसका कसूर था? ये हम इस पे भी आ जाते हैं, आपने क्योंकि कहा कि बता दें क्या है, तो अगर मैं पूरा जवाब दे देता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चले मुलाजमीन की बात कर लेते हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो मसला है, लाहौर प्रेस क्लब में इस साल जो फाइनेंशियल क्रंच आया ये सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब की इस बिल्डिंग के हद तक नहीं आया, और बिल बोर्ड जो तीन है इनको रेंट आउट कर देते तो ये क्रंच ना आता। तो ये जो जो है ये बिल बोर्ड क्यों नहीं किए रेंट आउट, ताकि आपका जो आपके मसाइल है उसके लिए नहीं, इसे भी आपके मुखालिफिन मिसमैनेजमेंट कहते हैं। ये बात सुन लें, आप बात सुन लें या लड़ लें, क्या करना है आप बात कीजिए, बात मैं तो बात ही लोगों आपके सामने है, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आउटडोर एडवर्टीजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उसमें फर्क आया है, ये आप साफ़ी आपको ये भी पता होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि LED की तरफ चलेगी है सारी सूरत हाल, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर LED की तरफ जाएंगे। जहां तक मुलाजमीन की तरह का है मामला तो वो सिर्फ अब एक माह की सैलरी बाकी है, पंजाब हुकूमत की तरफ हमारा जो चेक रुका हुआ था वो भी आ रहा है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सैलरियां नहीं मिल रही 4-4, 5-5 माह की, वो दरअसल अपने अदारों की बात कर रहे हैं, जहां से वो कैंडिडेट हैं वहां पे उनकी 4-4, 5-5 माह की सैलरियां हैं। पहले वो वहां दला लें, फिर लाहौर प्रेस क्लब के मुलाजमीन की बात कर लें। लाहौर प्रेस क्लब के मुलाजमीन को प्रोग्रेसिव ने इंश्योरेंस में शामिल किया, ग्रुप इंश्योरेंस में, जिस तरह बाकी तमाम जो है हमारे मेंबर हैं। मेयर साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि आपके जो सदर के कैंडिडेट के मामले पर चौधरी साहब बड़े फेवरेट थे और उनको जब दोबारा से वो मैदान में ना आ सके तो उस वजह से धड़ा बना, उस पर आपकी राय क्या है? देखें बिल्कुल ऐसा नहीं है, आजम चौधरी साहब जो है हमारे ग्रुप के इंतहाई सीनियर हैं, और जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया इस साल वो भी आपके सामने है, काबिले दीदा पूरी बॉडी, मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने डिलीवर किया। आजम चौधरी साहब को नॉमिनेशन मेरी जो है उन्होंने खुद की है, और ये वो रवायत है, ये प्रोग्रेसिव पैनल की सिर्फ रवायत है। ज़रा आप अपने हमारे जो दूसरे मुखालफी हैं ज़रा उनसे भी रवायत पूछिएगा, अगर पिछले साल मैंने आजम चौधरी साहब को जो है वो किया, नॉमिनेट किया, तो इस मरतबा आजम चौधरी साहब ने मुझे नॉमिनेट किया, क्योंकि प्रोग्रेसिव ही है जहां पे ये बोर्ड लगे हुए हैं। ज़रा बोर्ड जाइएगा और पिछले जो 20 साल हैं वहां पे आप देखिएगा कि प्रोग्रेसिव ग्रुप के कितने सदूर गुजरे, और इस दौरान जो है जर्नलिस्ट ग्रुप का सिर्फ एक सदर आया, ये भी ज़रा देख लीजिएगा कि कौन जो 15वां इलेक्शन जो है सदारत के लिए लड़ रहा है, और प्रोग्रेसिव की तरफ से कितने सदूर जो है हर साल या 2-3 साल बाद तब्दील होते हैं। ये माशी कत्ल जो हुआ साफियों का, हर इदारे से सैकड़ों बंदे निकाले गए, आपकी किसी तरह की कोई ना उसमें इन्फोर्समेंट नजर आई, ना आपकी तरफ से कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा मैकेनिज्म नजर आया, ना आपका कोई टेरर? पूरी सुनने बात, मेरा सवाल ले लें पहले, चलिए आपको पूरा मौका दूंगा जवाब का, सवाल ले लें, आपकी तरफ से क्या ऐसा किया गया कि जिससे साफियों का माशी कत्ल जो है उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे हालात बेहतर हों और आपकी रेट नजर आए और प्रेस क्लब सिम्बॉलिकली एक नुमाया इदारे के तौर पर सामने आया हो? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये आपके सवाल में जवाब है। इस वक्त 5 फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, 5 PUJs हैं,
और वो दुकानदारियां लगी हुई हैं, वो धड़ों में तकसीम है। लाहौर प्रेस क्लब ने, प्रोग्रेसिव ग्रुप ने इनिशिएटिव लिया कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। तमाम सहाफ़ती बरादरी की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अक्टूबर के अंदर, और तमाम जो सहाफ़ती यूजर्स हैं इकट्ठा करने से माशी कत्ल तो नहीं बंद हुआ? नहीं, बंद नहीं हुआ, तो आप रुका भी नहीं? नहीं, रुका नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं ना, किसी को गोली तो नहीं मार सकते। अभी जो है मीर शकील रहमान साहब से अभी तक जो जंग ग्रुप के वर्कर्स हैं हमारे मुजाकरात हो रहे हैं। और आगे अगली बात सुन लें, कल जो है हमारे मुखालफिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल थे उन्होंने कहा कि ये मामला मंडे तक ले जाएं, हम अपनी कंपेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब कि सिंबॉलिक आपका सिंबॉलिक नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई अमल दरामद हुआ नहीं? अमल दरामद कितने लोगों को हुआ आपको पता है? कर रहे हैं कितने लोगों का? बिल्कुल हुआ है, आपके पास? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुने आई एम फ्रॉम जर्नलिस्ट, तो मैं जर्नलिस्ट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए। जी जी करें बात, आपको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से जो मालकान है वो मुजाकरात में मजबूर हुए, और जो यूनियंस हैं, जो एक एक पॉकेट यूनियन थी जो मालकान ने खुद बना रखी थी, वो इस जॉइंट एक्शन कमेटी से भागी। वो प्रोग्रेसिव से भागे सिर्फ इसलिए हैं कि इन्होंने हमारी दुकानदारियां बंद करवा दी हैं। वो अब यूनियन के जो लीडर हैं, जो इतने लोग आपने रिस्टोर करवाए सर, कितने लोग रिस्टोर करवाए हैं माशी? अगर मेरी, और आपको पता है, मेरी जात की बात करेंगे, मेरी जात की बात करेंगे तो मैं 2012 में जी पैनल की बात कर ले, पूछ रहा हूँ सर, कितने लोग रिस्टोर करवाए हैं आपने? और आपने करवाए? आप सहाफी कहते हैं, आप अपने आप को सहाफी कहते हैं, तो थोड़ी आप ये भी समझ लें कि लाहौर प्रेस क्लब जो है ये एक्स्ट्रा अपनी एक ड्यूटी अदा कर रहा है सहाफियों के हकूक के लिए, वरना ये काम आजादी सहाफत के लिए क्या रोल है? आपका एंटरटेनमेंट सार सवाल ले लें, आजादी सहाफत के लिए क्या रोल है प्रेस क्लब का बताएं मुझे? आपको बताया तो है कि आप आपकी यूजेस काम नहीं करेंगी तो प्रेस क्लब को एक्स्ट्रा ये काम करना पड़ रहा है, बर्डन करना उठाना पड़ रहा है। प्रेस क्लब का क्या काम है? ओके, मेरे व्यूअर्स जो समझ रहे हैं, जिनको नहीं पता चीजों का, जी जी, यूजेस जो है अपना काम नहीं कर रही, फिर प्रेस क्लब का क्या काम है बताइए? प्रेस क्लब के और आजादी सहाफत में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आज के दौर में सीनियर सहाफी घर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रेस क्लब का बड़ा रोल है, सिंबॉलिक रोल है, क्या रोल है बताइए? देखिए, पहले तो जो प्रेस क्लब का रोल है वो हमें समझना चाहिए, ये एक जो है सोशल गैदरिंग का जरिया होता है। सहाफी जब काम से थका आता है तो उसके लिए ये घर की तरह होता है, यहाँ पे वो खाना भी खाता है, अपनी गेम्स भी, आउटडोर इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उससे मुस्तफीद होता है, अपनी गपशप भी करता है, और ये है बुनियादी इसका जो वो काम है। इसके साथ साथ जो प्रेस क्लब ने प्रोग्रेसिव ने खसूसी तौर पे, चाहे वो बच्चों की तालीम का मामला हो, हमने बेशुमार पिछले 3 साल में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से MOUs किए, इसके साथ साथ जो हेल्थ ना स्टेट इसको ऑन करती है हेल्थ, और ना ही जो है हमारे जो इदारे हैं मीडिया के वो हमारे मुलाजमीन को हेल्थ की पॉलिसी देते हैं, तो लाहौर प्रेस क्लब ने मुख्तलिफ MOUs किए, ठीक है। इसके साथ साथ जो लाइफ इंश्योरेंस है ग्रुप इंश्योरेंस की फॉर्म में, वो भी लाहौर प्रेस क्लब अदा करता है, तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हो गई। दूसरी जो आपका बड़ा अहम सवाल है कि लाहौर प्रेस क्लब आज़ादी सहाफत और वर्कर्स के लिए क्या कर रहा है, तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनियंस का काम था, लेकिन बदकिस्मती से कि यूनियंस पूरे मुल्क में, सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, कराची इस्लामाबाद में भी 5-5 यूजर्स हो गई, और नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची प्रेस क्लब हो या लाहौर प्रेस क्लब हो, तो इनके किरदार बढ़ गए, लोगों ने इन पर ट्रस्ट किया, क्योंकि इनके इलेक्शन जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन लीडरशिप आती है, जिसको भी जो पसंद करता है वोट के जरिए आती है, वो सिलेक्शन नहीं होती बंद कमरों में जो यूजर्स के अंदर होती है। तो जहां तक आजादी सहाफत का मसला हो, कोई मामला हो, प्रोग्रेसिव इस पे रैलीज भी निकालता है, अपने अपना जो रोल, अपने रोल भी प्ले करता है, और इसके साथ साथ कोई भी आजादी सहाफत का मामला आता है उस पर सेमिनार करवा के उस पर रैलियां निकालते हैं। आगाही के अलावा तो कुछ नहीं दे सकते? देखिए, आगाही ही देना जो बुनियादी काम है, तो आप ये पूछना चाह रहा हूँ, आगाही देना ही, आप स्टेक होल्डर के तौर पर क्यों नहीं सामने आए? एक स्टेक होल्डर होता है ना, शौक साहब, मियां साहब देखिए, एक होता है स्टेक होल्डर, एक होता है सेमिनार करवाना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरी बात सुने, जो आगाही और शौर देना सहाफी बरादरी को और आप आम शहरी को के आजादी सहाफत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, मेरे ख्याल में हमारा ये काम है, हमारी ये जिम्मेदारी है, और हम किस तरह लोगों को घोल के नहीं पिला सकते, ये जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं कि जब मालिकान का होल्ड हो, जब PBA APNS का होल्ड हो उस वक्त, और गवर्नमेंट जो हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की हो, चाहे वो PTI की हो, उसमें जो इनका गठजोड़ हो उसमें कारकुन या जो इस तरह प्रेस क्लब जैसे इदारे हैं यही रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि सहाफियों को सारा दिन मिलते हैं, उनकी कंप्लेंट्स भी सुनते हैं, बहुत सारे सहाफी, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी आके कहते होंगे कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, इसका फिर आप क्या करते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मुख्तलिफ TV चैनल्स में
आपने खुद देखा कि बहुत सारे हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन हैं या तजिया कार हैं उनको उनकी मुलाजमतों से हटा दिया गया है। अदारे उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम पे इसलिए आप बोझ हैं, आप जहां पे काम ना करें। हालांकि ये नहीं है, कुछ ऐसी ताकतें कुफ्ते हैं हुकूमत के अंदर जो नहीं चाहती कि यहां पे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, क्योंकि जब जो अपोजिशन में पार्टी होती है उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सूट करता है। किसी भी हुकूमत को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि जब आप तनकीद करते हैं तो तनकीद किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो इमरान खान हो चाहे मियां नवाज शरीफ हो। तो जिम्मेदाराना साबित को यकीनी बनाने के लिए आपने इसमें क्या रोल प्ले किया है कि लोग जो हैं वो जिम्मेदाराना साबित, उसका मिसाल ले लें, मिसाल ले लें मेरे जितने भी रिपोर्टर वो जब ब्रेकिंग न्यूज देते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज देते जितनी स्पीड में वो काम करते हैं उनसे चीजें उलट हो जाती हैं, चीजें रिपटल हो जाती हैं। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग के बगैर साफी है, ट्रेनिंग के बगैर कैमरामैन है। मेरे सर्वे के मुताबिक, मेरे जाती सर्वे के मुताबिक, आप जर्नलिस्ट हिट तब होता है जब वो नॉन प्रोफेशनल होता है, और कैमरामैन भी हिट तब होता है जब वो नॉन प्रोफेशनल हो। इसके लिए आपने क्या किया? बिल्कुल, एक मिनट, बड़ा आपका दुरुस्त सवाल है, और ये मेरे जो दोस्त हैं साथी उनको जानकर भी खुशी होगी, ऑलरेडी भी पता है कि 2016 में जब मैं प्रेसिडेंट बना तो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमने जितना काम किया, क्योंकि ये मैं क्योंकि खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, टीवी से मेरा ताल्लुक है, मैं अपने कैमरामैन दोस्तों के, DSNG के दोस्तों के से, और इसके साथ साथ खसूसी तौर पर जो रिपोर्टर्स हैं और यहाँ असाइनमेंट के लोग हैं, किस तरह उन पर प्रेशर होता है और उनको वो डिसिप्लिन या वो जो जर्नलिस्ट एथिक्स हैं उनका पता होना चाहिए। इसके लिए मुझे याद है कि सिर्फ 2016 में 250 के करीब जो हैं हमने मुल्की और गैर मुल्की जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराई, सेफ्टी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई, गुज़िश्ता साल भी हुई हैं। हमारा जो मजला है उसमें आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हम करते हैं। इसमें जो बुनियादी रोल है, बुनियादी रोल जो है वो हमारे मीडिया हाउसेस का है कि जब एक एम्प्लॉय को वो भर्ती करते हैं, जो मैस कम करके बच्चा या बच्ची आते हैं या कोई हमारा कैमरामैन टेक्निकल जो है ट्रेनिंग लेके आता है, तो उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि अपनी लाइफ को किस तरह महफूज करना है अपने, और पैनिक नहीं फैलाना, और एथिक्स का भी ख्याल रखना है, कोई आपकी खबर बाउंस ना हो, सेकेंड चेक करना है, ये टीवी चैनल में करवानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ 2-3 टीवी चैनल के अलावा जितने भी चैनल्स आए हैं वो इस तरफ नहीं गए, और फिर जो एक मशरूम ग्रोथ हुई टीवी चैनल्स की, उन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। मियां साहब, मेरे हिसाब से जो प्रेस क्लब का सदर होता है वो सुपरस्टार होता है, इदारे उसका एहतराम करते हैं। मैं अरसा दराज हो गया, आपके जहन में कोई ऐसा सुपरस्टार सदर हो तो मुझे बताइएगा, इदारे जिसका एहतराम करें, और वो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट भी हो, उसकी उसका एक टैलेंट भी हो, उसकी रिट भी कायम हो, और सारे का सारा प्रेस क्लब वो सिर्फ ओपोजिशन जो है वो ही तनकीद ना करे, सारे का सारा प्रेस क्लब का सदर हो वो, इस तरह का कोई सुपरस्टार आपको मुयस्सर ही नहीं आया, इसकी क्या वजह है? कहते रिजाल है या मसला क्या है असल में? देखें, ये आपकी उसने जन है या इसको कहें आपका सवाल करने का जो भी अंदाज है, ये जब से आप लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जब सहाफ़ी कॉलोनी बनी तो उसके बाद जो है ये मामला ख़राब होना शुरू हुए, जब जिसको प्लाट की सियासत कहा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद जो आप देखते हैं कि प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं तो बहुत यहाँ पे एक दो दफ़ा जो बदमजगी भी गुज़िश्ता सालों में पैदा हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, और अब जो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है उसके बाद वो कहता है कि मैंने मेंबरशिप लेनी है और सिर्फ प्लॉट के लिए लेनी है। प्लॉट जिस तरह मेरा हक है, जाहिद आबद का हक है, अगर हमें मिले हैं तो बाकी तमाम दोस्तों को भी मिलने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आप सर्व कर रहे होते हैं कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को, और उसके लिए एफर्ट्स भी होती हैं। बी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, वो हमने दिए प्रोग्रेसिव ने, अब फेज टू भी जो है उसके अमली इकदाम हो चुके हैं, और इंशाल्लाह मिड जनवरी में उसकी आप सूरत सब लोगों के सामने क्लियर होगी। आपका जो सवाल है, तो ये टेरर जो है मैं समझता हूँ कि किसी सहाफ़ी या सहाफ़ी रहनुमा को जेब नहीं देता, ये जेब नहीं देता। इदारों का एहतराम, इदारे एहतराम करें, एहतराम करते हैं, अपनी गुडविल अच्छी होगी तो इदारे एहतराम करेंगे, बिल्कुल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं,
और मैं दो साल सदर रहा हूँ, बहुत एहतराम करते हैं। मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट ऑफिस को जो है ठुडा मार के नहीं खोला, एहतराम करते हैं। और उसका तारीख रिकॉर्ड पे है कि एहतराम खुद से करवाया जाता है, आपकी अपनी शख्सियत कैसी है। जब लाहौर प्रेस क्लब का जो सदर होता है तो वो 2503 और पूरी लाहौर की साफी बरादरी का सदर होता है, उस पर पूरा एतमाद होता है। अपोजिशन करना अपोजिशन का हक है, लेकिन बदकिस्मती से मैंने बताया पिछले चंद सालों से जो मनफी प्रोपेगंडा, इल्ज़ाम की सियासत, मारदाड़ की सियासत, वो जब से घुसी है तो अदारों का, जो क्लब का या दीगर का जो तकद्दस है वो पमाल करने की कोशिश है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आखिर में आप अपनी अपोजिशन सदर जो हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आप सारे इकट्ठे हैं, बिल्कुल सारे ही जर्नलिस्ट हैं, सबने इकट्ठे रहना है, उनको क्या पैगाम देंगे? अपोजिशन जो है वो होनी चाहिए, मस्बत अपोजिशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन घटिया इल्जामात, किसी को जान से मारने की धमकियां देना और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इख्तलाफात एक हद तक रखने चाहिए, एक हद से नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बाशऊर है, पढ़े लिखे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं। अगर इनको अपनी कम्युनिटी में अपनी लीडरशिप के बारे में नहीं पता तो किसको पता होगा? ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जीते, लेकिन ये जो 3000 तकरीबन आपके पास तादाद है सारे के सारे रजिस्टर्ड लोगों की, इनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त प्रेस क्लब करवाए और वो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल की स्किल हो कि यहाँ कम अज़ कम सहाफ़ियों की जमवाद के मसाइल हैं, बाउंस होने के मसाइल और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके इदारों में जो इनकी इज्जत में कमी का बायस बनती है, वो होना बंद हो कम अज़ कम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्रेसिव के मंशूर में शामिल है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताएं कि प्रोग्रेसिव जो है इसने एक और रवायत कायम की है। जब मैं 2016 में पहली मरतबा सदर बना तो जो हारने वाले लोग थे अपोजिशन के लोग, उन सबको इज्जत और एहतराम के साथ पहली मीटिंग जो है हॉल के अंदर उनके साथ की, उनको अपने साथ बिठाया। क्या ऐसा हो सकता है आज नहीं तो कभी आने वाले दुनिया में या आने वाली नस्लें कम अज़ कम इस ख्वाब को देखें कि प्रेस क्लब की हैसियत एक माँ की तरह की हो, कोई अगर दुनिया से चला भी जाए तो उसे उसकी फैमिली को पता हो कि प्रेस क्लब है? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए जो करती है उसका ढिंढोरा नहीं पीटती, माँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ करती है उसका ढिंढोरा नहीं। इलेक्शन में बताना तो पड़ेगा आपको। नहीं, ढिंढोरा ना पीटे लेकिन बताए तो सही। चले चले, आपने कहा कुछ बताए। एक तो इंश्योरेंस का मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी फैमिली को 8 लाख रुपए और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटल की सूरत में हो तो 16 लाख रुपए अदा किए जाते हैं। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड से जो 3 साल के अंदर जो हुकूमत पंजाब के जितनी मदद बेवगान की करवाई है वो इस साल के कुछ केस पेंडिंग पड़े हैं। इस साल के जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मीटिंग्स होती हैं 2-3 माह बाद होती हैं, अभी जो उनको गालबन 15 तारीख की मीटिंग थी वो शायद नहीं हो सकी, कि ये जो इस साल जो कुछ चीज़ें कुछ ख़राब हुई उसकी हम आप सहाफ़ी हैं बेहतर समझते हैं। आखिरी सवाल ये कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं मसला कोई हाईलाइट करना हो तो ये सड़क ब्लॉक हो जाता है जी, तो इस मामले में क्या कोई आप हुकूमत के साथ रबते में गए हैं या खुद से आपने लोगों को बताना शुरू किया हो कि कोई और जगह मुख्तस की जाए ताकि ये चौक ना हो चौक, इसकी वजह से ये सर्विसेज को म्यू को सारे रस्तों को यहीं से जाता है, हब है पूरा, अहम तरीन टीचिंग हॉस्पिटल्स को ये रास्ता जाता है, इसके लिए आपकी जानिब से कोई वीन कोई ऐसी चीज़ कोई तदाबीर नज़र नहीं आई? और ये डेली का काम है और ये डेली ऐसा होता है और आपके सामने जो लोगों की निशानदेही करते हैं खलके खुदा जो है यहाँ ठुड्डे खा रही होती है, सड़कों पर रुल रही होती है, इसके लिए आपने क्या किया अब तक? बहुत वैलिड सवाल है आपका। एक तो ये है कि दुनिया भर में जो प्रेस क्लब होते हैं वो लोगों की आवाज़ का एक ज़रिया होते हैं पूरी दुनिया में। न्यूयॉर्क प्रेस क्लब भी जो है लोगों ने मुजाहरा करना है तो वो वहाँ पे जाके कहते हैं हम यहाँ पे करें। एक तो ये चीज़ है, ये लोगों का जमहूरी बुनियादी हक है, इसको हम छीन नहीं सकते। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान के अंदर जो रोड ब्लॉक करना जमहूरी हक तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो तहजीब से लोग करते हैं साइड पर बैठ के करते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि तहजीब के साथ जो पाकिस्तान के अंदर खुसूसन लाहौर पंजाब के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो उस वक्त की इंतजामिया है हुकूमत है उन्हें बिल्कुल किसी किस्म का रिस्पांस नहीं देती। बहुत शुक्रिया भाई साहब, प्रोग्रेसिव पैनल के सदर की गुफ्तगू आपने सुनी और बाकी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं, दीगर अफराद से बात भी करते हैं, आप हमारे साथ रहिए।